ट्रेवलर गी की तरफ से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह सिंगल सॉल्यूशन LNB इस्तेमाल करके 2, 3, 4, 5 जितनी रिसीवर आप चलाना चाहते हैं आप चला सकते हैं। मतलब कि आपके पास एक डिश सेटलाइट एक छतरी लगी हुई है और आप चाहते हैं कि आप उसके साथ 2, 3, 4 या 5 जितने भी रिसीवर चलाना चाहते हैं तो वो आप किस तरह एक ही छतरी के साथ चला सकते हैं। तो इस काम के लिए आपको चाहिए होगी सिंगल सॉल्यूशन LNB जो कि तकरीबन 900 या 1000 रुपये की मिलती है और उसके साथ एक सेपरेटर चाहिए होगा। तो ये दोनों चीज़ें यूज़ करके आप एक ही सेटेलाइट डिश से 2, 3, 4, 5 रिसीवर बआसानी चला सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें youtube.com/c/tutorialgeek। हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें facebook.com/satellite guru ताकि आपको अपडेट बआसानी मिल सके। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सिंगल सॉल्यूशन LNB क्या होती है। देखें सिंगल सॉल्यूशन LNB ये आपके सामने मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ सिंगल सॉल्यूशन LNB की है। इसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह जो भी है सामने लिखी हुई है ये आपको मार्केट से बआसानी मिल जाएगी। ये ज़्यादातर केबल वाले लोग यूज़ करते हैं। इससे आप एक इनपुट होती है और 2, 3, 4, 5 जितनी भी आप आउटपुट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मतलब कि आपके पास एक ही LNB होगी एक ही सेटेलाइट डिश होगा और आगे 2, 3, 4, 5 रिसीवर पे वो सेटेलाइट चल रही होगी। तो ये LNB आपको मार्केट से मिल जाएगी 900 या 1000 रुपये इसकी कीमत है। उसके अलावा आपको चाहिए होगा स्प्लिटर जिसके ज़रिए आप केबल्स रिसीवर तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ देखें यहाँ इनपुट आएगी और यहाँ से आउटपुट जाएगी। ये दो वाली आउटपुट है, तीन वाला भी आपको मिल जाएगा, चार वाला भी मिल जाएगा, पांच वाला भी मिल जाएगा जितने आपने रिसीवर चलाने हैं। तो जो सिंगल सॉल्यूशन LNB है वहाँ से जो केबल आएगी वो यहाँ इनमें लगेगी और आउट से जो केबल जाएगी वो जाके सेटेलाइट रिसीवर में लगेगी। ये देखें इमेज से आप समझें, ये देखें हमारे पास एक सेटेलाइट डिश है, यहाँ सिंगल सॉल्यूशन LNB लगी हुई है, यहाँ से इसकी केबल आ रही है ये स्प्लिटर में और स्प्लिटर में एक इन आ रही है और दो आउट जा रही है। ये देखें एक आउट एक रिसीवर में, दूसरी आउट दूसरे रिसीवर में। इसी तरह अगर आपको तीन रिसीवर के लिए आउटपुट चाहिए तो आप तीन पोर्ट वाला सेपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सॉल्यूशन है, ख़र्चा भी कम है। अगर आप चाहते हैं आप घर में फॉर एग्जांपल आपने एशिया सेट लगाई हुई है और आप तीन रूम में चाहते हैं कि तीनों रूम में वही यूज़ करें तो आप एक सिंगल सॉल्यूशन LNB लाएँ, एक थ्री पोर्ट वाला सेपरेटर लाएँ। लेकिन यह है कि तीनों रूम में आपको अलग-अलग रिसीवर रखना पड़ेगा, लेकिन आपको जो डिश होगा वो एक ही यूज़ होगा और LNB भी एक ही यूज़ होगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।